हाय, मैं हूँ सर। अब आप देख रहे हैं साहस बाकेट और मेरे प्लस आज जो है वो है होंडा एक्स ब्लेड। ये है 2019 वर्सन ABS सिंगल डिक्स, जो कि 2019 में मैंने ख़रीदा था। और इसके मुकाबले नए जो वर्सन है उसमें क्या क्या चेंजेस आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा अंत तक, आप लोगों को सारी जानकारी मैं देने का कोशिश करूँगा। और कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट करके बता देना क्या छूट गया है। तो देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक। तो पहले बात करते हैं इसका जो बॉडी ग्राफिक्स में चेंज हुआ है उसके बारे में। इस बाइक में पहले टैंक को देखते हैं। टैंक पर ये जो साउट दी गई है ये आप बॉडी कलर की हो गई है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर ही यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, ये डुअल टोन अभी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर थोड़े बहुत ग्राफिक्स की चेंज हुआ है। और पीछे आइए, पीछे देखते हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रैब ड्रिल है वो ग्रैब ड्रिल अब बॉडी कलर की हो गई है। तो यही है कॉस्मिक चेंज, और कुछ यहाँ पर चेंज नहीं है। तो पहले वाले वर्सन में जो ये रोबो फेस हेडलाइट मिलता था वो आज भी सेम है। ये जो सिग्नेचर हेडलैम्प है इसको कंपनी में सेम रखा है और कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। ये पहले जो इग्निशन मिलता था ये एसी पर मिलता था और आज भी एसी पर ही मिलता है, ये डीसी पर नहीं मिलता है दोस्तों। तो देखते हैं इसकी सामने वाले जो डिक्स है वो, ये जो डिक्स है वो 276 mm का मिलता था और ABS के साथ मिलता था, ये आज भी सेम मिलता है। और इसका जो टायर साइज है दोस्तों ये जो 80x100 एंड 17 इंच का व्हील है वो एक ही रखा गया है। पहले भी ये मिलता था, आज भी यही मिलता है। और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर जो इंजन काउल दी गई है ये पुराने वाले सेक्शन में ये जो चीज़ है ये मिलता था, और ये मिडिल वाले सेक्शन अब ओमिट कर दिया गया है। नए वाले सेक्शन में ये वाले सेक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ इधर ये मिलता है और उधर वो मिलता है, ये मिडिल का सेक्शन आउट कर दी गई है। अब बात करते हैं इसकी इंजन के बारे में। ये 162.71 सीसी का ही इंजन मिलता है। फर्क सिर्फ इतना ही है नए वाले वर्सन में यहाँ पर जो कार्बोरेटर लगा हुआ है वो कार्बोरेटर को चेंज करके FI सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दी गई है। और यहाँ पर एक कैटलिटिक कन्वर्टर दी गई है जो ऑक्सीजन की मात्रा को ठीक रखता है। इंजन की टॉर्क फिगर के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ गया है BS6 वर्सन में, और इसका जो पावर था वो थोड़ा सा घट गया है। तो जो डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, वो आप लोग ज़रूर देखना, पॉज कर लेना, पॉज करके देख लेना क्या हो गया है। पहले वाले डुअल पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम और नए वाला डुअल पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और साउंड भी एक तरह का ही है। और यहाँ पर पीछे जो मेजर चेंज की गई है वो है पीछे वाले इस सेक्शन में डिक्स दी गई है, 220 mm का डिक्स ब्रेक दी गई है। ये पीछे वाले सेक्शन में ABS नहीं मिलता, ये सिर्फ सिंगल ABS में आता है। और पीछे जो टायर दी गई है वो 130x70 एंड 17 इंच का अलॉय है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं की गई है, सिर्फ चेंज की गई है यहाँ पर राइट साइड में। यहाँ पर एक इंजन किल स्विच दी गई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। पहले भी मैं कहीं वीडियो में इसका जिक्र किया था कि यहाँ पर क्यों एक किल स्विच नहीं दे सकता होंडा, ये इस बार मिला है। और यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं दिखा है। यहाँ पर जहल पहले भी जो मिलता था आज भी
नए वाले वर्सन में वो ही मिलता है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, तो अब तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे रोबोटिक लुक पहले भी आता था और आज भी ऐसे ही रोबोटिक लुक को होंडा ने बरकरार रखा है। और कुछ जो चेंजेस हुआ है वो है इंजन में, थोड़ा सा इंजन में चेंज हुआ है। जो चेंज हुआ है वो है एक कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है जो सिस्टम में, और यहाँ पर FI फ्यूल इंजेक्शन लगाया गया है। और पीछे जो डिस्क है वो 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, और कोई भी चेंज नहीं है। पीछे बैकलाइट भी वैसा ही है और देखने में भी वैसा ही लगता है। और थोड़ा सा चेंज किया गया है कॉस्मिक चेंज, जो यहाँ पर एक्स ब्लेड जो साउट आटा था यहाँ की कलर पे अब आता है, ये ब्लैक कलर डुअल टोन में नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो ग्रैब रेल है वो भी अब डुअल टोन में आता है। डुअल टोन मीन्स बॉडी कलर में यहाँ पर आता है, ये ब्लैक नहीं आता है। तो यही कुछ चेंजेस। और यहाँ पर एक इंजन किल स्विच दी गई है, तो यही कुछ चेंजेस है और इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ चुका है प्राइस। ये जो वर्सन, ये टॉप वर्सन था पिछले वाले जो सिंगल चैनल ABS के साथ आता था, ये मैंने खरीदा था एक शोरूम 86,000 रुपीज़ में। और अब ये जो वर्सन, यह इसका टॉप वर्सन जो है वो हो गया है 1,09,500 रुपीज़। एंड इसका जो सेकंड वर्सन है, जो पीछे डिक्स नहीं है उस जिसका, वो वाले वर्सन का 1,06,500 रुपीज़ हो गया है। तो ये जो प्राइस हाइक है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा। तो आप लोग अब डिसाइड करो ये सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक है या नहीं। तो आज वीडियो में इतना ही, इसके बाद को और एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय।